बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की एक और एक्सरसाइज। अच्छा ये है, माय ब्रदर्स ओनली हेल्प वर हिज फ्रेंड्स, दीज टू बॉयज हेट वन अनदर, वी शुड प्रे गॉड एवरी मॉर्निंग, इट इज 5:30 इन माय वॉच, ही अवेल्ड ऑफ द लीव, वी विजिटेड मेनी वर्थ सीइंग प्लेसेस, नाइदर ही कम्स नॉर ही राइट्स, Why he wrote that foolish letter? I shall stay at Murray for few days. He only is responsible for this act. अब इनको वन बाय वन करते हैं। अच्छा नंबर वन है, माई ब्रदर्स ओनली हेल्प वर हिज फ्रेंड्स। ये जो वर यूज हो रहा है ये फ्रेंड्स के लिए यूज नहीं हो रहा बल्कि हेल्प के लिए यूज हो रहा है, और हेल्प यहाँ पे सिंगल हेल्प है। ओनली हेल्प का मतलब है वाहिद मदद। माई ब्रदर्स ओनली हेल्प वर हिज फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स ओनली हेल्प वॉज हिज फ्रेंड्स आ जाएगा कि मेरे भाइयों के पास जो वाहिद, मेरे भाई के पास जो वाहिद मदद थी वो उसके दोस्त थे। अच्छा फिर है, दीज टू बॉयज हेट वन एनदर। आपको पता है दो हों तो ईच अदर और दो से ज्यादा हों तो वन एनदर। यहाँ पे टू बॉयज हैं तो हम इसको कर देंगे दीज टू बॉयज हेट ईच अदर। फिर नंबर थ्री है, वी शुड प्रे गॉड एवरी मॉर्निंग। प्रे के साथ आपने प्रेपोजिशन लगाना है टू, वी शुड प्रे टू गॉड एवरी मॉर्निंग। फिर है, इट इज 5:30 इन माई वॉच, इन माई वॉच नहीं होता बाय माई वॉच होता है, इट इज 5:30 बाय माई वॉच। फिर है, ही अवेल्ड ऑफ द लीव। आपको पता है अवेल आ जाए तो आपने इसके साथ प्रोनाउन यूज करना है, जैसे ही होगा तो हिमसेल्फ आ जाएगा, आई होता तो माई सेल्फ, यू होता तो योर सेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द लीव आ जाएगा। फिर है, वी विजिटेड मैनी वर्थ सीइंग प्लेसेस। ऑर्डर ऑफ वर्ड रॉन्ग है, आपने क्या करना है, वी विजिटेड मैनी प्लेसेस वर्थ सींग, ये इस तरह रट्टा मार लेना है और जो भी कोई इस तरह की आपकी कोई भी आएगी तो आपको समझ आ जाएगा। नाइदर ही कम्स नॉर ही राइट, इससे हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का है क्योंकि एस का इजाफा हुआ है कम के साथ और राइट के साथ। और प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू नॉट या डज नॉट एड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, नाइदर डज ही कम करना है, नॉट नहीं लगाना क्योंकि नाइदर और नॉर इस्तेमाल हो रहा है, दो दफा नहीं करने की जरूरत नहीं है। यानी इसका मतलब हो जाएगा नाइदर डज ही कम, ना तो वो आता है, नॉर डज ही राइट, ना ही वो लिखता है, तो इसलिए इसमें हमने एस हटा देना है और डज का इजाफा कर देना है। फिर है, वाई ही रोट दैट फुलिश लेटर। रोट से पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है, और सिंपल पास्ट में जब हमने क्वेश्चन बनाना होता है तो हम डिड का इजाफा करते हैं। जैसे यहाँ पे डिड का की एडिशन नहीं हुई है, हमने कर देनी है वाई डिड ही, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बजाय हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है, वाई डिड ही राइट दैट फुलिश लेटर हो जाएगा। फिर है, आई शेल स्टे एट मरी फॉर फ्यू डेज। I shall stay in Murray होना चाहिए था, I shall stay in Murray for a few days। फिर है, he only is responsible for this act। इसमें भी arrangement of words ठीक नहीं है, only he is responsible for this act। मैं कभी time मिला तो video बनाऊंगी only पे, यानी only को sentence में मुख्तलिफ जगह पे रखें तो कैसे मतलब बदल जाता है। ठीक है, only he is responsible for this act आ जाएगा, तो ये आप याद कर लें अच्छे तरीके से, आपके काम आएंगी। थैंक यू।